सचते पैरा टीवी की समुची टीम वालों तुहानू सारिया नू साडा सत श्री अकाल। साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सचते पैरा टीवी चैनल नू सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नू दबाओ। धन्नवाद। पात्रा दे नज़दीक पिंड रामपुर पड़ता दुगाल विखे पिछले 12 सालों तो गुरु घर की सेवा करते आ रहे ग्रंथी धर्म सिंह की बीमारी के चलदियां धर्म सिंह का परिवार इलाज तो असमर्थ होने कारण सरकार अते समाज सेवी संस्थावां तो मदद की गुहार लगा रहा है। धर्म सिंह अते उसका परिवार उसका इलाज करवाने लई किसे फरिश्ते की उड़ीक कर रहा है तां जो धर्म सिंह ठीक हो के अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कर सके। जदों सच ते पैरा टीवी वालों पिंड रामपुर पड़ता दुगाल विखे गुरु घर के नाल लगते रिहायशी मकान विखे रह रहे धर्म सिंह का हाल जाणिया तां धर्म सिंह एक छोटे जिहे कमरे विच पिया अपने परिवार नाल मदद की गुहार लगा रहा सी। मंजे ते पए धर्म सिंह ने दस्या कि गुरदियां दा इलाज ना होण कारण ओह कोई भी काम करन तो असमर्थ है। धर्म सिंह दी पत्नी पिंकी ने गलबात करदियां कहा कि गुरदे खराब होण कारण ओह धर्म सिंह दा इलाज वख-वख हस्पतालां विच्चों करवा चुके ने पर वित्ती हालत खराब होण कारण ओह हुण इलाज करवाण तो असमर्थ ने जिस कारण ओह हुण सरकार अते समाज सेवी संस्थावां तो मदद की मंग कर रहे ने। गुरुद्वारा साहिब पिंड रामपड़ता दे प्रधान अमरीक सिंह अते पिंड दे सरपंच तरसेम सिंह ने धर्म सिंह अते उसके परिवार संबंधी जानकारी दिंदियां दस्या कि पिंड अते होर लोकां ने उसकी काफ़ी मदद की है पर लॉकडाउन दे चलदियां हस्पतालां विच ओपीडी बंद होण कारण परिवार इलाज कराउण तो असमर्थ है। उन्हां सरकार अते समाज सेवी संस्थावां तो मांग कीती कि इस परिवार दी मदद कीती जावे। जिक्रयोग है कि पिंड वासियां वल्लों धर्म सिंह दे इलाज लई करीब 1,00,000 रुपए इकट्ठे करके दिते गए सन जो कि इलाज विच खर्च हो गए। धर्म सिंह दे परिवार ने उन्हां दे इलाज लई अपने घर का सब कुछ लगा दिता है पर इस तो बाद भी धर्म सिंह दे ठीक ना होण कारण हुण परिवार सरकार अते समाज सेवी संस्थावां तो मंग कर रहा है। जेकर कोई इस परिवार की मदद करन लई अगे आना चाहता है तो वह मोबाइल नंबर 70096-22659-94174-53276 62839-23433 संपर्क कर सकता है। जी मैं धर्म सिंह पिंड रामपुर दगाल नेड़े पात्रा जी गुरु घर 10-12 साल तो ग्रंथी हाँ ड्यूटी करता सीगा। मैनू गुरद्या की प्रॉब्लम हो गई है बहुत इलाज किया पिंड वालिया ने मेरी बहुत मदद की है हूँ मेरे कमाई का साधन जोड़ा वो रुक चुके हैं लॉकडाउन करके वो करके थोड़ा जब कुछ सेहत बिगड़न करके काम कार हो रहा नहीं गा खून की कमी है शरीर के और कोई कमाई का साधन नहीं है जी और एक साधन सी ग्रंथी का पिंड वालिया ने 1,00,000 की मदद की है जी वो लग चुके हूँ कोई किन्ने पैसे लग चुके हूँ तक 1,50,000 प्रशासन तो सरकार तो मदद की गुहार लाना मेरी वो तो वह समाज सेविया सेवकों समाज सेवा वाले सारे बेनती करदा कि मेरी वो तो वह मदद की जाए छोटे छोटे बच्चे आर्थिक तौर तो मैं बहुत कमजोर हाँ। मेरा नाम पिंकी कौर बस गुरु घर की ग्रंथी ड्यूटी करते 10-12 साल हो गए। अच्छा हुण की प्रॉब्लम आ गई इन्हां नूं? इन्हां नूं गुरदे ने प्रॉब्लम आ गई इलाज चंडीगढ़ भी कराया पटियाले भी सारे हॉस्पिटल से लैके घूमे हैं जी ना ही इलाज बस इदां ही चलता रहा कोई डॉक्टर कहिंदा इदां है कोई कहिंदा इदां है बस इलाज करवाना असी पर पैसों की कमी है पैसों की कमी इस करके आ रही है भी साढ़े को गरीब हाँ असी लॉकडाउन भी हो गया कुछ बच्चे साढ़े छोटे छोटे आ कोई है नहीं कमाने वाला बस यही मंग है साड़ी सरकार तो मेरे आदमी की मदद की जाए जी। अमरीक सिंह है जी साढ़े वालों तो जी यही बेनती है सरकार समाज सेवी संतान इलाके के जो समाज सेवक ने बंदे इन्हों तो यही बेनती है भी बेचारा ठीक हो अपने बच्चों च राजी खुशी हो जाए इन्हों पथरी सी पथरी तो इन्होंने दवाइया दवाइया लाइया तो गुरदे खराब हो गए
हुण इलाके ने भी बहुत मदद की, गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने, जो पेंडू गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने, लोक भलाई संस्था ने, कोई होर भी जो भी इलाके दे समाज सेवी बंदे ने, 50 रुपए तो लैके 10-10 हज़ार रुपए तक मदद की है सन। असी इलाके तुरे फिरे, पैसा इकट्ठा किया, 1,00,000 रुपया असी इकट्ठा करके हफ्ते च वो असी लाता जी। ये चलिया जी 4-5 महीनों तो इन्हों का इलाज पूरे जोर शोर है। PGI भी जाया है, PGI कहें भी OPD खुलूगा तो असं इन्हों का इलाज अगे तोर गे। हूँ OPD करोना करके नहीं खुल रहा जी, ये समस्या सू बहुत बड़ी आ। गुरदा नवे ही पैण गए जी, एक पैजे गुरदा, एक जोड़ा दूजा 20% कम करता है। गुरदे देने वास्ते कौन अगे कोई इन्हों का परिवार कहें जी दे देंगे असं इन्हों फादर जी पूरी मदद। ये साड़ी MP महाराणी भी करे कुछ, ये साड़ी सुने। साडे पिंड रामपुर दगाल विखे जी धर्म सिंह जी जो 10-12 सालों तो गुरु घर के ग्रंथी वजो सेवा निभा रहे थे, अचानक इन्हों भी गुरद्या की प्रॉब्लम आन करके ये मंजे ते बह गए जी। इस तो बाद पिंड वालियां ने, कमेटी ने जी बहुत मदद की जिनी हो सकी, पर हले इलाज की बहुत लोड़ है जी। जिनी भी हो सकता समाज सेवी संस्थावां नूं सरकार नूं हथ जोड़ के बेनती है जी, वध तो वध इन्हां दी मदद की जाए। पिंड वालियां ने, कमेटी ने ला लो सारा होर इकट्ठा होकर जिन्ना 1,00,000 रुपए तो उत्ते खर्चा पिंड वाले कमेटी वाले कर चुके ने जी। टाइम हुण जी डायलिसिस होण लग गई जी इन्हां दी, उस करके 5-7 हज़ार हफ्ते का खर्चा जी। कमाई का साधन कोई एडा है नहीं जी, नगर भी छोटा साडा पिंड जी, इस करके वध तो वध। सच ते पैरा TV लई सतपाल गर्ग दी रिपोर्ट।